नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ में हूं शैलेंद्र। बुलंदशहर हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। सीएम योगी ने इस घटना पर मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस के साथ बैठक की। बैठक में घटना की समीक्षा कर निर्देश दिए गए हैं कि इसकी गंभीरता से जांच की जाए और गोकशी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 19 मार्च 2017 से अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया है। इस घटना के क्रम में सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश अब दिया गया है कि जिले स्तर पर ऐसे अवैध कार्य ना हो, ये उनका सामूहिक जिम्मेदारी होगी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को ये सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि जिले स्तर पर अनुपालन सख्ती से हो। यह भी निर्देश दिया गया है कि अभियान चलाकर माहौल खराब करने वाले तत्वों को बेनकाब करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी सीएम की तरफ से एक बार फिर स्लॉटर हाउस पर सख्ती दिखाई गई है। सरकार बनने के बाद से ही सीएम ने इस तरह के तेवर दिखाए थे, लेकिन हालात नहीं बदले और बुलंदशहर की हिंसा के पीछे की कहानी भी कहीं ना कहीं इन्हीं कमियों को जोड़ रही है। जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर जब सीएम सख्त है तो भी ताले क्यों नहीं। तो इसी मुद्दे पर आज का खड़ा और अखाड़ा शुरू करने से पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जो अवैध स्लॉटर हाउस को लेकर उन्होंने दिया था। पिछले दो वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बुचड़ खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। तो इसी मुद्दे पर आज का खड़ा और इस मुद्दे पर हमारे साथ बहस करने के लिए स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ फैजान किदवई, सपा प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ थोड़ी देर में रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी जुड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें, ब्रजेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता शुचि विश्वास भी हमारे साथ जुड़ेंगी इस बहस में। लेकिन शुरुआत करेंगे नरेंद्र जी आपसे, सीएम सख्त है लेकिन स्लॉटर हाउस पर शटर डाउन क्यों नहीं? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये समय समय पर इसकी समीक्षा हुई, जो ऐसी समीक्षा कल भी आपने देखी हुई जी। तो जहां हुआ वहां के अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने काम किया। नहीं, कानून व्यवस्था का सवाल बाद में, पहले ये है कि जब सीएम ने कहा था कि अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे तो चल कैसे रहे? नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ नहीं चल रहे हैं उनको हमने प्रोत्साहित किया जिन्होंने बंद किया, और जो लुके छिपे चल रहे थे, जो सामने आए, जिनको बंद करना चाहिए था, उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने जानबूझकर सरकार के इस आदेश में जो है लीपापोती क्यों की, किस कारण वो चल रहे थे वहाँ के, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे वहाँ का पुलिस प्रशासन हो, सब जिम्मेदार हैं। और घटना के बाद तो तमाम चीजें होती हैं, जांच भी होगी, एक्शन भी होगा, लेकिन सवाल यह है कि तस्वीर ऐसी थी क्यों? जब पहले ही सीएम इतनी सख्ती दुखा चुके हैं, हमने देखा जैसे ही सरकार आई थी ताबड़तोड़ ताले लगना शुरू हो गए थे, हालात बंदी के आ गए थे, और अब देखिए वही तस्वीर फिर से स्लॉटर हाउस की कहानी सामने। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, कि जिनको बंद करना चाहिए, जो पुलिस, जैसे वहाँ का मान लीजिए एसओ है या वहाँ का एसडीएम है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने पुनः कह दिया है कि अब तो डीएमएसपी सीधे जिम्मेदार, सरकार तो कह रही है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा? फैजान साहब, आखिर तस्वीर क्यों ऐसी सामने आई? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं
शहीद हुए SHO साहब, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। साथ ही साथ जो नौजवान लड़का जिसने अपनी जान खोई, वो उसके परिवार वालों और सुबोध साहब के परिवार वालों की तरफ संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा जी। अब मेरा सवाल ये जनता से जो है है जो टीवी देख रही, क्योंकि भाजपा से सवाल करूंगा वो घुमा देंगे, आप ये सवाल अपने मन में सोचिए और इसका जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये हुआ क्यों, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब उत्तर प्रदेश जल रहा था, जब बुलंदशहर जल रहा था, तो योगी आदित्यनाथ साहब गोरखपुर में बैठे लाइट और साउंड शो एंजॉय कर रहे थे। जब उनकी जरूरत उत्तर प्रदेश में थी, वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके इलेक्शन चल रहे स्टेट्स में जाकर के वहां जहरीले भाषण देके सांप्रदायिकता फैला के चुनाव में क्या हो रहा है, ये नहीं, ये सवाल नहीं, चुनाव में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे थे सीएम, ये सवाल नहीं। सवाल ये कि अवैध स्लॉट राउंड चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो बात कर रहे अभी योगी जी का भाषण आपने चलाया, वो कह रहे हैं जन स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो योगी जी आप एक बात बताइए, बिल्कुल जो जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे उसको मत छोड़िए, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करता है, जो इंसानियत को शर्मसार करता है, उसके उसके खिलाफ भी आपको कुछ करना है कि नहीं करना है? योगी जी पुलिस वालों को बुला करके उनकी मीटिंग लेते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि ये गौकशी जिसने की है उसको सबसे पहले पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, जरूर करिए, क्योंकि ये कानून अपराध है। लेकिन उससे बड़ा अपराध जो हुआ है, जो इंसान मारे गए हैं, जो फालतू में यहां पे एक जान गई है, दो मासूम लोगों की जान गई है, उसके जिम्मेदारी कौन लेता है? ये राइट विंगर्स है, ये जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं सर, ये रिपोर्ट है, FIR जो लॉन्च की गई है, इसमें बजरंग दल के योगेश राज का नाम सबसे ऊपर आता है, इसमें बीजेपी के लीडर है शिखर अग्रवाल, उनका नाम आता है, VHP के उपेंद्र राघव है, उनका नाम आता है, इनके खिलाफ कार्रवाई का नहीं। भाई साहब, सवाल ये नहीं कि इस घटना में जिम्मेदार कौन है, किनके ऊपर एक्शन होगा, सवाल ये है कि जब अवैध स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई होनी थी, ताबड़तोड़ एक्शन हुए, बावजूद इसके ये स्लॉटर हाउस कैसे चल रहा है, कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा, क्यों बार बार कभी शहर बदलता है, जगह बदलता है, समय बदलता है, लेकिन हालात और तस्वीर हिंसा और उन्माद की फिर बार सामने आती है। सर मैं आपको बता दूं ये क्यों हो रहा है, इलेक्शन पास आ रहे हैं, इलेक्शन पास आ रहे हैं, और ये भाजपा का एक लौता हथकंडा है, क्योंकि हर जगह फेल हो गए हैं, फेल होते चले जा रहे हैं, अब ये सांप्रदायिकता ही फैलाएंगे। महो गांव है सर बुलंदशहर का, वहां के लोगों ने साफ साफ कहा है कि इसमें बजरंग दल के लोग शामिल थे, जिन्होंने नहीं, बार बार सवाल हिंदू संगठनों का नहीं है, सवाल ये है अवैध स्लॉटर हाउस पर एक्शन क्यों नहीं, एक्शन आपने आपने पूरा ब्लू प्रिंट बनाया था, गाइडलाइंस जारी की गई थी, बावजूद इसके स्लॉटर हाउस चल रहा है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इतने नाकाम है, उनके कुछ नहीं है, क्या वो इतनी बुरी तरह से हाल है? अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा, प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है, तो डॉक्टर ने थोड़ी बोला मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहो, छोड़ दे, रिजाइन कर दे, किसी और को भाजपा से बना दे, कम से कम इंसान नहीं, वो तो सख्ती दिखा रहे हैं, सीएम तो सख्ती दिखा रहे हैं, उन्होंने निर्देश भी दिया, पहले भी दिया था, ताबड़तोड़ ताले लगे, प्रशासन वहां पर छापे कर रहा था, अचानक से सब मानकों के विपरीत जाने लगे बूचड़खाने, और अब तस्वीर ये है कि फिर से खुल गए, ऐसा क्यों? नरेंद्र जी जवाब दीजिए। शैलेंद्र जी देखिए, जिस तरह से अभी ये बोल रहे थे, इनको लग रहा है, इनको दुख इस बात का है कि योगी मुख्यमंत्री क्यों है, मुझे कोई भाजपा की सरकार क्यों है। नहीं नहीं, सुनिए आप, आपने कहा उत्तर प्रदेश चल रहा है, कैसे कहा उत्तर प्रदेश चल रहा है, आपने कहा बुलंदशहर चल रहा है, आपने कैसे कहा उत्तर प्रदेश चल रहा है? आप लोग केवल जलने और जलाने के अलावा दूसरी राजनीति आती है आपको करनी, आपको केवल ये दुख है कि कैसे राष्ट्रवादियों की सरकार, और आप यदि ये काम करेंगे तो कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बच्चों के और बिल्कुल करेंगे, नहीं कोई आपको एक अपराधी नहीं, ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है ही नहीं, कोई नहीं, मुद्दा ये नहीं कि सरकार किसकी है, किस तरह से सरकार चल रही है, सरकार ये उत्तर प्रदेश क्यों बच रहा है, क्या कदम उठा रही है, ये सवाल उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश कहाँ जल रहा था, उत्तर आग लगी पड़ी, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जल रहा है, आपके दिलों में आग लगी पड़ी है, और आपकी दिलों की आग को बुझाने के लिए उत्तर प्रदेश ऐसे आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश 10,000 आदमी जेल के अंदर डाले, योगी ने डाला है, ठीक है, आप तो एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन हमेशा कोई कोई शहर तो लगता रहेगा, लोग बलि देते रहेंगे, विजय जी सीएम तो सख्त है, सीएम सख्त है, लेकिन जिस तरह से ठीक है, किदवाई साहब बात आ गई आपकी, ठीक है किदवाई साहब आपकी बात आ गई, विजय जी जिस तरह से डीएम और एसपी को यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया, क्या माना जाए, साफ तौर पर सीएम मानते हैं कि वो तो सख्त हैं, उनकी मंशा तो स्पष्ट है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हो रहा, जिसकी वजह से अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई शहर कभी ना कभी सुलग उठता है। देखिए
अपने शपथ ग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का जो दृष्टिकोण था गोवंश के विषय में बड़ा स्पष्ट था। नहीं, नियत तो थी, लेकिन वो नियति क्यों नहीं बन पाई? मैं बता रहा हूँ, और अगर ये अगर इसको गंभीरता से समझा भी जाए तो मेरी समझ में आता है कि सरकार का दृष्टिकोण तो स्पष्ट है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ऐसी शिथिलता रही प्रशासन में कि इतनी बड़ी घटना घटी और इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से वहाँ पर दोनों ही पक्ष के लोग मारे गए। और ये देखिए कि जब किसी सरकार का स्टैंड है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो फिर सरकार के नाक के नीचे ये कैसे हुआ, ये तो जांच का ही विषय है। लोग तो ये बता रहे कि नेक्सस चल रहा है, स्लॉटर हाउस का लाइसेंस जारी होते हैं बाकायदा, तो उनमें मानकों का पालन होता है ना स्थितियों का पालन होता है, अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, इस तरह की दुकानें चल रही हैं और इसकी वजह से बार बार ये हालात बन रहे हैं। देखिए, ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो मानक हम डिफाई करते रहते हैं ये सभी सरकारों का है जी। मुझे याद आता है पिछली सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, बड़े पैमाने पर हुए थे, और उस समय भी सरकार जो है हथियारों को नहीं सफलतापूर्वक पिनलाइज कर सकी, वो एक समस्या है। अब देखिए, ये जो अभी जो इसमें पॉलिटिक्स घुस जाएगी ना जी, तो पॉलिटिक्स घुसने के बाद क्या होगा कि ये मामला और विकृत हो जाएगा जी। जो मूल विषय है वो ये है कि सरकार का एक स्टेटेड स्टैंड था। नहीं, जब स्लॉटर हाउस बंद करने की बात सरकार ने कही थी तब भी राजनीति हुई थी जी। हाँ, एक धड़ा खड़ा हो जाता है। हाँ जी, वो पहले तो उसके लिए नाराज था कि क्यों बंद कर रहे हैं, और जब इलीगल स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए तो दूसरे तरह से नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट जो है एक पॉलिटिकल परवर्जन की तरफ चली गई है जी। है ना, किसी एक समुदाय को ठेस ना लगे ऐसा भी तो एक प्रश्न हो सकता है, ऐसा भी तो एक विषय हो सकता है। अगर काउ स्लॉटर बैन है तो काउ स्लॉटर क्यों हुआ जी। निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक जो एक असफलता रही सरकार की वो जिला के स्तर पर रही है, और सरकार को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए। इतना बड़ा जनाक्रोश, मैं एक बात और कह दूं, इतना बड़ा जनाक्रोश कि इंस्पेक्टर को सिर्फ गोली ही नहीं लगी, जिस वाहन से उसको ले जाया गया था पोस्टमार्टम के लिए लोगों ने उसमें भी आग लगा दी। इस पर जांच होनी चाहिए कि इतना भयंकर जनाक्रोश क्यों हुआ। एक लड़का बिल्कुल निर्दोष था, सुमित, जिसकी की मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, सुमित को क्यों मार दिया गया, गांव वाले क्यों इतने ज्यादा क्रोधित हुए, तो ये सब जो एक अंतर कथा उसके अंदर चल रही है। नहीं, सवाल ये है कि शहर कोई भी हो, स्थितियां कुछ भी हो, हिंसा जहां पर भी हो रही वो गलत है, लेकिन ये तस्वीर बन क्यों रही है? देखिए, वही कहना चाहता हूं, सीएम का बयान हमने सुना, उन्होंने कहा था कि एनजीटी के मानकों का जो पालन नहीं करेंगे, जो अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चल रहे होंगे उन पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, ताले लगेंगे, तो क्या माना जाए? अब जितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं वो एनजीटी के मानकों के तहत है, या फिर प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है और सरकार का उन पर ग्रिप नहीं बना पा रही जिसकी वजह से इस तरह के हालात? नहीं, प्रशासन आंखें मूंद भी लेगा तो हम उनको आंखें खुलवा देंगे। अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और जो जिम्मेदारी जानकारी तो ये भी है कि बुलंदशहर में अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे थे, इसमें जेल में डाला गया, और भी है इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना, इंटेलिजेंस फेलियर इस तरह से है कि प्रशासन घटना के बाद ही क्यों, घटना के बाद के अधिकारी चीजों पे तो लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, वक्त वक्त पर होना चाहिए। घटना के कारण ये चीजें सामने आई कि अभी भी लोग किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में अभी भी अंधे हुए पड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वहां की गोकशी नहीं होनी चाहिए। कैसे हुई? वो पुलिस अधिकारी, वो वहां के प्रशासन के अधिकारी क्यों आक्रोश फैलने देते हैं, और ये क्यों उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? कम से कम मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें प्रशासन के साथ साथ सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों में कमजोर साबित हुई, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। इसको रोकिए, घटना के बाद सख्त निर्देश देने से क्या होगा? क्यों नहीं रोकते हैं? बिल्कुल, किसने मना किया उनको इसको जो है रोकने से? वो नहीं, शुरू में आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत तेजी से चलाया, अवैध स्लॉटर हाउस पे एक्शन भी बहुत ताबड़तोड़ हुए, फिर वो मुहिम विधि में हो गई, वो तस्वीरें भी नहीं बदली जी। सर देखिए एक अजीब सी एक आयरनी, एक विडंबना है कि एक तरफ ये सरकार जो योगी आदित्यनाथ की है वो पुलिस को जो है इनकाउंटर राज में डाल करके इनकाउंटर बना देती, इनकाउंटर करने वाली पुलिस बना देती है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और नाराज होती, फटकार लगाती है कि भाई आप इनकाउंटर को स्टेट पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। दूसरी तरफ वही पुलिस वाले जो है उनको भी परेशान किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको मारा जाता है। आप, मेरे पास पूरी लिस्ट है पुलिस वालों के साथ क्या हुआ है। ये 13 अक्टूबर पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, ये सवाल नहीं, सवाल ये अवैध स्लॉटर हाउसों का क्या हुआ, कैसे फिर से खुल गए, कौन उनको लाइसेंस जारी कर रहा है, कौन नेक्सस चला रहा है यहाँ पर? और वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार क्या कर रही है, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं इस प्रदेश में? अब इंसान, इस प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है,
कोई भी सुरक्षित जब नहीं है तो ये फेलियर है ना सरकार के एंड पे। इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी होगी, या तो योगी आदित्यनाथ विफल हो रहे हैं, वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी को, दोनों ही सूरतों में आपको जवाब देना होगा कि भाई इस तरह की जो हरकतें होती जा रही हो किस वजह से हो रही हैं। आप कह रहे हैं बुचड़खाने बंद कर दिए थे, बिल्कुल बंद कर देने चाहिए जो अवैध चल रहे हो, लेकिन अगर वो बंद कर दिए गए थे तो फिर शुरू क्यों हो गए, और अगर वो शुरू नहीं हुए तो गौकशी के नाम पे अगर इस तरह के बातें बना करके दो समुदायों को लड़ाया जा रहा है। चलिए सूची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कांग्रेस से। सूची जी, जिस तरह की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, डीएमएसपी की जिम्मेदारी होगी, लेकिन जिम्मेदारी पहले भी थी तो क्या माना जाए पहले जिम्मेदारी नहीं निभाई गई जिसकी वजह से इस तरह के निर्देश फिर से देने पड़े? जब कोई शहर सुलग जाता है तब ये स्थिति क्यों बनती है? योगी जी का तो बहुत ही इकबाल कायम है, जिस प्रदेश का मुखिया कहता है ठोक दिए जाएंगे तो उस पर और कुछ कहने के लिए क्या बच रहा है? अगर उनकी उछल फांद में कोई कमी हो तो बताइए, 18 घंटा 22 घंटा काम करते हैं, पूरे राष्ट्र के वे नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेता मोदी जी हैं, तो ऐसे में प्रदेश में यदि छोटी मोटी घटनाएं घट जाती हैं कि कोई जाबाज अफसर की डेथ हो गई या एसआईटी की जांच दो दिन में आई, उसमें सीएम तो कह रहे हैं ना, वो तो पहले भी उन्होंने कहा था कि अब स्लॉटर हाउस बंद होंगे, एनजीटी के हिसाब से जो नहीं होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन डीएमएसपी और स्थानीय प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा, ऐसे हालात क्यों बने हुए? ये बताइए डीएम बड़ा होता है कि सीएम बड़ा होता है जी? जब ये विपक्ष में होते हैं तो सिपाही और हवलदार भी बड़ा होता है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो डीएम और एसपी। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चैनल पे लाइव दिखाई जा रही थी, इस कार्रवाई उसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, राणा जी सुन लीजिए, मैं आपको सुन रही थी, सुन लीजिए, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, डॉक्टर अजयपाल शर्मा, उनको जब कैराना में शामली में एसएसपी बनाया गया तो वहाँ लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, वहाँ वो आतंकी वहाँ पलायन हो रहा था, उन्होंने अच्छा काम से जस्टिफाई नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध नगर में वो एसपी हैं, हमने उनको प्रोत्साहित किया, पिछली सरकार के जितने अच्छे अधिकारी थे उनको प्रोत्साहित किया, और जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं किसी लालच या लोभ के कारण, और दूसरा कौन सा कारण हो सकता है, वो उनसे मिली भगत करते होंगे, पैसा खाते होंगे, और उनको कहां जो है थाने, ये रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिए ना कि कौन अवैध स्लॉटर हाउस कौन चला रहा, कौन लाइसेंस जारी कर रहा, नेक्सस कौन बैकअप दे रहा, वो लोग जो है क्यों जिम्मेदार माने जाए जिले के कप्तान को और इस जिले के कलेक्टर को जिसके यहाँ ये हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किदवाई साहब बताइए, जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है या सरकार की? आखिर तस्वीर ऐसी क्यों बनती नजर आती है बार बार? देखिए जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन क्योंकि जो सरकार में होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो मुखिया होता है, सबसे पहली जिम्मेदारी उसी की बनती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा, सरकार ने तो बकायदा 20 गाइडलाइंस भी जारी की थी कि इसके हिसाब से होना चाहिए स्लॉटर हाउस। सर गाइडलाइन जारी कर देना अलग चीज होती है, विरोध पर आप उधर आए थे, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे थे, सरकार की मंशा के सामने आप रोड़े खड़े कर रहे थे, तो फिर सरकार क्या करे? कोई रोड़े नहीं खड़ा कर रहे सर, रोड़े ये खुद को अपने सामने खड़े कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन चलाना सरकार चलाना उसके लिए आपको एक तरीके की नॉलेज होने की जरूरत होती है, जो योगी आदित्यनाथ में शायद वो काबिलियत नहीं है कि मुख्यमंत्री बने। साहब तस्वीरें याद करिए, दो दिन तक बंदी का ऐलान कर दिया था आपने, जब वह स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई हो रही थी तो दो दिन बंदी का ऐलान कर दिया था। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, गाय के नाम पे क्या राजनीति कर रहे हो, कैसे चल रहे हैं लोगों को मैं आपको ये बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सारे उत्तर प्रदेश के जिलों में काउ शेल्टर बनेंगे यानी गौशाला बनेंगी, उसमें से 68 पे फाइनली अग्री कर रहे हैं सर, 81 करोड़ 60 लाख यानी 81 करोड़ 60 लाख रुपया उसपे सैंक्शन किया है, जिसमें से 34 करोड़ रुपया अब तक रिलीज कर चुके हैं। अब ये बताएं, ये बैठे हुए भाजपा के प्रवक्ता बताएं, गौशाला अभी तक कहां का बनवाई है? नहीं, सवाल गौशाला का ही नहीं है, सवाल गौशाला का नहीं, सवाल स्लॉटर हाउस का करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, उन्होंने क्या कर दिया गौ माता के लिए, क्या कर दिया? आज उत्तर प्रदेश के लोग हाईवे पे चले जाइए आधी रात को, हैवी ट्रक्स चलते हैं, गाय टकरा टकरा के, साहब पहले की तस्वीर भी तो देखिए आप, पहले की तस्वीर देखिए, वह स्लॉटर हाउसेस चल रहे थे, शहरों में गंदगी पसरी रहती थी, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा था, कई गांव में लोग बीमारी की चपेट में थे, ब्लड निकलते थे वहां से, स्लॉटर हाउसेस से खेतों में जाते थे। अखिलेश जी के टाइम पे 7.5% थी, योगी जी ने गिरा के 6% कर दी है, अब इससे ज्यादा योगी जी की विफलता के बारे में क्या बात करें? और ये बताएं भाजपा के बैठे हैं कितने गौशाला बनवा दिए हैं आज तक आपने? सवाल गौशाला का नहीं है, सवाल स्लॉटर हाउसेस का है, अवैध स्लॉटर हाउसेस का सवाल है, सवाल गौशाला का ही नहीं, स्लॉटर हाउस का सवाल है तो सर बंद कराना इनका काम है, अगर ये नहीं बंद करा पा रहे हैं, ये विफल हो रहे हैं, तो कम से कम लोगों से हाथ जोड़ के माफी तो मांग लें, जुमले कब तक देते रहेंगे? माफी मांगना सीखिए, गलती मांगना सीखिए, आपको लोग बार बार जज कर रहे हैं। सीएम की सख्ती में आखिर रोड़ा कहां पर आता है, जब सीएम इतना सख्त है, बार बार एक्शन भी लिए गए, पर आखिर कहां पे
सर खड़े होकर के बोल देना अलग चीज होती है, ग्राउंड पे वो काम करवा लेना अलग चीज होती है। तो वो कराने के लिए यही तो सवाल है कि आखिर ग्राउंड पर काम क्यों नहीं हो रहा है, कि कैसे अधिकारियों से काम करवाते लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे, देर रात तक मीटिंग्स चल रही, समीक्षा बैठक चल रही, उसके बावजूद अगर नतीजे ना आए, तस्वीर ना बदले, तो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बताइए नरेंद्र शैलेन जी, देखिए ये जो घटना हुई इसके बाद ये चीजें जिसपे हम बहस कर रहे हैं सामने आई जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर अब मैं समझता हूँ कि अगर डीएमएसपी को जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन वो नहीं करेंगे। मैंने बार बार कहा कि कहीं ना कहीं लोभ में अंधा हो गया है आदमी। गऊ को हम माता कहते हैं, गऊ को हम जानवर नहीं मानते हैं। आपसे मैंने गऊ को बता, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, गऊ पे आस्था करनी नहीं नहीं, आप अगर हमारी इस आस्था को कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी ये समझने को तैयार नहीं है, वो एक गड्डी उसके सामने फेंक दी जाती होगी और वो उसमें आंख बंद कर लेता है। लोगों में क्या रोष हुआ, सारी की सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की, पहले क्यों नहीं छांटे गए, सिलसिला तो लंबे समय से चल रहा होगा, ये आगे करेगा, चला रहे हमारे सुची जी, बताइए जवाब दीजिए, ये तो ऐसे के अधिकारियों पर सारा जिम्मेदारी ठोक दे रहे हैं। शेम ऑन बीजेपी, शेम ऑन बीजेपी। नहीं नहीं, आप अपने ऊपर शेम करिए, बीजेपी तो आई है राज करने, राज करेगी। हां राज, देखिए राज कौन सेवा करनी थी, राज सेवा करेंगे, ये देखिए राज करना हमें आता है, सेवा करके राज करने से परिवार की बात बोलता है, किसी राज करते नहीं, दूसरे मुद्दों की बात मत करिए, दूसरे मुद्दों की बात मत करिए, आप लोग बोलने नहीं देते हैं, हम किसी सूची जी को बोलने दीजिए, सूची जी बताइए दूसरे के विचारों का भी स्वागत करें, आखिर कहां खामियां रह गई, आखिर क्यों मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया हुआ स्लॉटर हाउसेस के खिलाफ अभी तक। देखिए देखिए योगी जी की मंशा पे कोई संदेह नहीं है, गंगा निश्चय ही एक दिन साफ होगी, मंदिर निश्चय ही एक दिन बनेगा, गौशाला अवश्य बनवाई जाएंगी, किंतु समय का अभाव है। पहले गुजरात चुनाव चलता रहा, फिर हिमाचल आ गया, फिर केरल में बाढ़ आ गई, उसके बाद ये त्रिपुरा वगैरह चलता रहा, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, तो जब समय मिलेगा तो निश्चय ही इन छोटी मोटी प्रदेश की घटनाओं पर ध्यान अवश्य दिया जाएगा। उनका तो ध्यान है, वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं, ब्रज की होली निपटने के बाद जमीन पर क्यों नहीं परिणाम दिख रहे, उसके बाद फिर कांवड़ यात्रा थी, उसके पहले मोहर्रम का जुलूस था, उसके पहले महाशिवरात्रि थी, फिर प्रदोष था, फिर सेठ बैसाख सावन का, और फिर बलमास आ गया, तो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर उठाइए, उसमें देखिए एक अभिजीत मुहूर्त होता है, तो निश्चय ही योगी जी जब पत्रा विचारेंगे तो 5 वर्ष के कार्यकाल में जैसे मोदी जी को फुर्सत नहीं है, तो धैर्य रखिए, ये सब भी छोटी मोटी घटनाएं सॉल्व की जाएंगी, बाकी जुमलों का बाजार गर्म है, अव्यवस्था चरम पर है, अराजकता का चारों ओर प्रकाश फैला है, तो इस राम राज्य का स्वागत करिए जो ये सुशासन का कमल खिला है, जो मुन्ना बजरंगी से शुरू हुआ था और हजा उसको पेंट करने से लेके, और इसको देखिए, इस पर चर्चा करिए, ये बहुत दुर्व्यवस्था और अराजकता का अभी प्रारंभ है, अभी तो 5 साल में बहुत कुछ बाकी है, राणा जी को अपनी जिम्मेदारी है, अभी तो कभी खड़े नहीं हुए हैं स्लॉटर हाउसेस को लेके, जब कोई हिंसा सामने आती तो सरकार को घेरना तो बड़ा आसान है, लेकिन आप भी तो आते हैं, साक्षी महाराज बाराबंकी के सांसद हैं, सुनिए बात सुनिए जी, उनकी नाक के नीचे 12 से ज्यादा स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, एनओसी क्लियरेंस अभी भी डाउटफुल है, और उनका कचरा तो सीधा नदी में बहाया जाता है, क्यों नहीं सामने लेकर आती, जो अधिकारी इन चीजों में लिप्त हैं, आप भी तो सामने लाने के लिए क्या साक्षी महाराज के घर जाकर उनका पैर पकड़ा जाए, आप ऐसे मुद्दे भाई आपको वोट देके और जनता का टैक्स गाढ़ी कमाई, हम दोनों दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, प्रॉपर अपने टैक्सेस अदा करते हैं और समय पर वोट देते हैं, अब क्या हम जाके पीएमओ का घेराव करें या सीएमओ का, हमने जिन लोगों को वोट देके संवैधानिक पदों के शिखर पर बैठाया उनसे ये अपेक्षा की थी कि अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर वो खरा उतरेंगे, उस समय उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे स्टार प्रचारक हैं और भाजपा के कैंपेनर रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो निश्चय ही आप उंगली उठाइए उन पर जिनका उन्होंने चयन किया है, आज भी हम विपक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए सरकार की मंशा पर उठाए, सरकार की मजबूरी पर उठाए, मजबूती पर उठाए, पर सवाल यह है कि आखिर अवैध स्लॉटर हाउसेस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, एनजीटी की गाइडलाइंस थी, सीएम सभाओं में कहते थे कि अवैध स्लॉटर हाउस नहीं चलेंगे, ताले भी जड़े गए, लेकिन उसके बावजूद फिर से वही तस्वीर। कहना चाहूँगा देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो गाइडलाइन है, जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, और चाहे आप बालू खनन मिट्टी खनन में भी देख लीजिए कि एनजीटी की जो गाइडलाइन है उस पर काम नहीं हो पाया, यहाँ तक का जो पर्यावरण मंत्री तो कह रहे हैं कि कई गाँव में इनके ब्लड्स जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है स्लॉटर हाउसेस से, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, 20
देखिए हिंदुओं की गाइडलाइन सरकार ने जारी की, उसी पे लेकिन कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा, फिर ये स्लॉट हाउस चल कैसे रहे? एनजीटी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए जो नीचे का जो तबका है, नीचे का जो सरकार की जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, वो कितना ईमानदारी, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, एक तो बेसिक चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि सरकार का इस्तकबाल जो होता है, जैसे राजा अपने प्रताप से राज चलाता है जो आध्यात्मिक बात है, तो राजा का इस्तकबाल के बल पे सरकारें चलती हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटनाएं आकार ले रही हैं, सरकार का इस्तकबाल में कहीं ना कहीं कमी आ रही निश्चित तौर पर। लेकिन हम सीधे सरकार को भी दोषी करार दें, सबसे बड़ी चीज है मैकेनिज्म पे काम होना चाहिए, और मैकेनिज्म पे काम नहीं हो पा रहा है। और जो गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो एक तो होती है कि सरकार मनुष्य दिखा रही है, सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं बदल रहा, ये सवाल है। देखिए मैं आपके यहां डिबेट में इस मुद्दे पर पहले भी बोल चुका हूं, जैसे पुलिस की अवधारणा है वॉरफेयर पुलिस और वेलफेयर पुलिस, कल्याणकारी पुलिस की जो भारत में अवधारणा है वो वॉरफेयर पुलिस में कन्वर्ट हो रही, पुलिस सरकार का हथियार का साधन बन गई है। दूसरी चीज, हथियार के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रही राज्य सरकारें, कोई भी आए शासन सत्ता में कोई रहे, बेसिक चीज ये है कि गुड गवर्नेंस की हम बात करके सत्ता में आते हैं। बिल्कुल, सवाल ये कि सरकार पुलिस का बेहतर इस्तेमाल कर पा रही है, वो नेक्सस जो यहां पर बात गौ अभयारण्य बनाने की बात है, करेंगे लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अरे इसमें बहुत कहानी है। क्या हो गया? 8 से 10 आपके यहाँ रहूँगा ना, 11 जी वहाँ से हम बैठा था जी। तो नहीं तो कितने बजे का मैं ये टॉपिक तो मुझे पता, तो टॉपिक मैं तो बैठा हूँ, नहीं ये टॉपिक तो मुझे पता ही नहीं खुर्रम साहब, मुझे नहीं आता तो इसमें, हाँ इसमें रहन दीजिए फिर मुझे, बहुत बहुत कट्टू कट दिया, बहुत आपने कट्टू कट दिया, मैं तो अभी ऑलरेडी डिबेट में बैठा हूँ, भारत समाचार पर बैठा हूँ जी, ये ख़त्म ही होगा साहब जैसे साहब, आपका फ़ोन ही नहीं आया पहले, मैं तो अभी बैठा हूँ जी, आगे जी आपका है हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 ओके ओके ना आ रहा है ओके
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है कि जब सीएम इस मामले पर स्पष्ट हैं, तब सच आखिर बदलने को तैयार क्यों नहीं? जमीन पर आखिर अवैध स्लॉटर्स क्यों यूपी में चल रहे हैं? क्यों यहां पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है? और इस तरह से बार बार क्यों कोई शहर हिंसा की भेंट चढ़ जाता है? नरेंद्र जी, सवाल आपसे ही है। सीएम सख्त है, देर रात तक समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं साफ उनकी गाइडलाइन से, बावजूद इसके अगर अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, अगर इस तरह के हालात बार बार सामने आते हैं तो सरकार क्या करे? नहीं, देखिए, मैंने डिबेट के शुरू में ही कहा कि जहां जो लोग अच्छा काम किए, ऐसा कम से कम 80% मैं मान सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां नहीं कार्रवाई का सीजन क्यों? हम देखते हैं जब कोई कहीं घटना होती है तब कार्रवाई होती है, तब सख्ती दिखाई जाती है, सीजन ये तो रेगुलर होना चाहिए। ये जहां लोग लुका छुपी करके ये खेल खेल रहे थे, अब उनके दिन खत्म हो गए, और वो जान लें कि सरकार क्या चाहती है। सरकार ने बता दिया, अब इसीलिए डीएमएसपी सबसे बड़े अधिकारी नहीं, तो इस चीज के लिए दो साल का इंतजार क्यों? अब दो साल के बाद नहीं, सरकार इस तरह अब लगातार ये कहते थे नहीं हो रहा, अब ये आ गया सामने कि हो रहा है। अजय जी बताइए। एक बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया में चर्चा करने लायक नहीं है, और एक जो जरूरी बात है वो ये है कि जब कोई सरकार चुनी जाती है तो ये सामान्य बात होती है कि एक जनमत उसके विरुद्ध तैयार होता रहता है, जो चुनावों की तैयारी करता रहता है, और वो कहीं ना कहीं गुप्त रूप से षड्यंत्र भी करता रहता है। तो आपको अभी ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जब तक कि इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आती कि इतने बड़े पैमाने पर गोवध होना और फिर उस मांस का कंज्यूम हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर यह भी एक प्रश्न है कि इतना बड़ा पुलिस स्टेशन था और वहाँ पर जो है फोर्स नहीं थी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो ये फोर्स कहाँ लगाई गई थी? और फिर जो लोग ये ऐसा नहीं कि अचानक से ये गोवध हो गया, जरूर भाई साहब, क्या ये सिस्टम की बारीकियां हैं, कमियां हैं, और या फिर कहीं ना कहीं सियासी मजबूरियां हैं? एक बात और बता दूं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था। देखिए, हमको जो कि उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य हो हमारे, ये देखना पड़ेगा कि कालीचक में दंगा हुआ था पश्चिम बंगाल में 2016 में, और एक भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। भीड़ की तो कोई बुद्धि होती नहीं, बता रहा हूँ, राजनीति लेंगे, कोई भी तस्वीर उठाएंगे, वो तो वही है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बड़ी हिंसा में प्रशासन की बात करेंगे तो हर सरकार में सामने आती है। मैंने पहले चर्चा में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं जी, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में 2016 में उसने गाइडलाइन दी थी कि पुलिस को किस तरह से आप मिनिमल ऑटोनॉमी दीजिए। नहीं तो नेक्सस तो गाइडलाइंस को गुमराह कर देता है ना। अब एक मिनट, ये नेक्सस है जो वैसा ड्राफ्ट चलाता है। मैं पूरी बात कह लूं, और जितनी भी सरकारें हमारी रही हैं सन 47 के बाद, और जो आज है और जो भविष्य में होंगी, ये केवल एक पॉलिटिकल मड स्लेजिंग से काम चलने वाला नहीं है जी। अगर आप डिबेट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने आज तक पुलिस रिफॉर्म के लिए कोई गंभीर कदम उठाया क्या? बल्कि मैंने ये देखा कि पुलिस और प्रशासन एक जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का एक औजार बन जाता है, और वो केवल उसी दिशा में काम करता रह जाता है। उनको न्यूनतम उनको एक वो चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, जिसमें कि वो स्वतंत्रता से काम नहीं, कर सके। वो अलग की बात। और सवाल ये कि और जो आपके सामने ऐसी मजबूरी क्यों है, स्थानीय प्रशासन के सामने किस तरह की मजबूरी है कि अवैध स्लॉटर हाउस को चलने दे, इस तरह से दंगों को भड़कने दे? किदवाई साहब बताइए। उनकी भी बहुत चैलेंजिंग वर्किंग कंडीशंस होती हैं, है ना, और ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पुलिस भी है तो पुलिस को छुट्टी नहीं है, 24 घंटे की नौकरी होती है, उसको एक महीने की सैलरी सरप्लस दे देते हैं। नहीं ठीक, हम समझ गए, सिस्टम की कमियां हो सकती है, मजबूरियां हो सकती है, लेकिन सियासी मजबूरियां क्यों? सिस्टम रिफॉर्म्स को ले आना पड़ेगा, तब जाके सियासत अगर इस पर होती है तो सियासतदान जो है वो ये समझेंगे कि नहीं, इसको रोका जा सकता है। नहीं, सरकार को कदम उठा रही है, निर्देश दे रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने बात कर ली, मैं देखिए अभी ब्रजेश जी जो है वो कह रहे हैं, जिनकी बात से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, मैं उसको डिनाई करता हूँ, जो इसको योगी गवर्नमेंट को वो क्लीन चिट देने की कोशिश करें कह करके कि कोई विपक्ष की चाल है या पता नहीं क्या चाल है कि इस तरह से एक लार्ज स्केल पे गौकशी हो रही है, तो योगी गवर्नमेंट को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। सर, उस क्लीन चिट नहीं दीजिए, क्योंकि क्लीन चिट के लायक नहीं है योगी सरकार, ये उनकी विफलता क्या नतीजा है जो इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर वो आपकी थी, आपने भी कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं किए। सर, आप या तो फिर लिखवा लीजिए बीजेपी समर्थक, उसके बाद बोलिए आप यहां पे पॉलिटिकल विशेषज्ञ, सामाजिक चिंताएं उनकी है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मेरी बात आप बोल रहे तो मैं चुप था ना, आपकी सुन रहा था ना, मैं बोल लू, आप अगर बीच बीच में बोलना चाहेंगे तो बोलिए, फिर आपको मैं भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं, मैं अभी अभी हाँ, रुक जाइए और अब रुक जाइए, एमएसपी के नाम पे सरकार झूठ बोल रही, धोखा दे रही, वो भी विपक्ष की चाल है। जब सरकार कहती है कि हम यहाँ पे इनको पैसा नहीं दे सकते हैं, उनका आर्मी वालों का 600 करोड़ रुपए नहीं भरा सकते हैं, लेकिन मोदी जी अपने खुद के प्रचार पे 5000 करोड़ खर्चा कर देते हैं, वो भी विपक्ष की चाल है।
जब कौशल विकास योजना और बाकी सारी सिलेंडर वाली योजना फेल हो रही है, वो भी विपक्ष की चाल है। देखिए विपक्ष की यहाँ चाल नहीं है, विपक्ष पॉइंट आउट कर रहा है जहां जहां योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो फेल हो रही हो। खैर उनका समर्थन के लिए कुछ लगाना चाहें वो उनकी अपना खुद का उनका हक है, आ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ सिंपल सी बात है जो बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर जो अवैध बुचरखाने चल रहे हैं अगर उनको रोकना है तो रोकिए, सब उसमें साथ देंगे। अवैध तरीके से कुछ नहीं चलना चाहिए, गौकशी कानूनन जुर्म है, जो गौकशी करेगा उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन गौ के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स चला रखी है बीजेपी ने, दो समुदायों में नफरत की आग लगाने की कोशिश करते हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। जब हम देखते हैं, अभी आपने बोला योगी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं बजरंग दल, वीएचपी और आपके खुद के नेता जो पग जिनका नाम एफआईआर में आया है, वो चाहते हैं इस नाम को लेकर के, गौ हत्या के नाम को लेकर के दो समुदायों को लड़ा दो। इलेक्शन आ रहा है सुचे जी, आप बताइए जिस तरह से अवैध स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, क्या ये सरकार की नाकामी है? सीएम सख्त हैं, प्रशासन की नाकामी है, सिस्टम में खामियां, आखिर कमी कहां रह जाती है? भाई निश्चय ही सरकार की खामी है, एक और धर्म संसद होती है धारा 144 लगाई जाती है, दूसरे मुद्दों की बात नहीं, दूसरी ओर पीएसी ग्राउंड लेवल पर तो अधिकारी ही काम करते हैं ना। मुद्दे तो देखिए ये सरकार का दोहरा चेहरा है, मुद्दे दूसरे नहीं, ये सरकार का दोहरा चेहरा है। एक और आप अपील कर रहे हैं कि वहां कोई ना जाए, दूसरी आप टोल फ्री कर रहे हैं, जो टोल पे गाड़ियां जा रही है भर भर के आप उनसे टोल नहीं ले रहे हैं, तो ये सरकार का ही दोहरा चेहरा है। वो सामुदायिक विवाह किस कौन है आप बता दीजिए, ध्रुवीकरण की राजनीति किसकी राजनीति का आधार है? दो समुदायों को लड़ा के सुशासन का कमल खिलाना किसकी प्राथमिकता? नहीं तो अवैध स्लॉटर हाउसेस पे जब सरकार कार्रवाई कर रही थी तो आप भी आए थे प्रदर्शन करने के लिए, आप भी बता रहे थे कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। सियासत तो हर तरफ से होने लगती है ना। फिर पूर्व की सरकार में भी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में नगर निगम में मेयर की कुर्सी पर आप ही विराजमान थे, एनओसीज जो हुई थी उस दौरान भी और अब भी। क्यों मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद पिंक रिवॉल्यूशन में भारत में लगातार इजाफा हुआ है, गौमांस के निर्यात में भारत कितना टॉप पे बढ़ा है मोदी सरकार के दौरान? तो सरकार के दोहरे चेहरे की बात करिए। नहीं तो वो तो वैसे साहब ने भी लोकसभा में पूछा था कि मांस निर्यात में भारत अव्वल है, तो वहां पर भी जवाब मिला था कि भाई हमारी पॉलिसी है वो होता है उसमें, वो अलग की बात है। राज्य में अवैध स्लॉटर हाउसेस क्यों चल रही है अलग की बात है। पार्टी मीटिंग चाहे भारत में इस समय संघ का राष्ट्रपति है, अवैध स्लॉटर हाउसेस संघ का प्रधान और ये मड स्लिजिंग से काम चलने वाला नहीं है। अगर इस समय भी हम गाय की गंगा की गोबर की रक्षा नहीं कर सकते, जो चिंता है सीएम की वो विपक्ष की भी है, जो चिंता है सीएम की वो विपक्ष की भी है। अगर अधिकारी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर अवैध स्लॉटर हाउसेस चलेंगे तो ये सवाल विपक्ष भी उठाएगा। भाजपा परेशान कर रही है, इसलिए नरेंद्र जी जवाब दीजिए। वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, देवेंद्र सिंह लोधी नाम है उनका, 3 दिन से वो प्रशासन से कह रहे थे कि गौ मास के भंडारे चल रहे हैं और प्रशासन के लोग फोन उनका स्विच ऑफ कर दिए थे। अरे जिसके कारण सुन लीजिए, सुनिए, हाँ प्रूफ है वो ये भी नाकामी है सरकार की। अगर अधिकारी विधायक सांसद की नहीं सुन रहे, आपने कहा कि कप्तान और एसएसपी ने अगर आपकी बात नहीं सुनी और जिसके बाद ये अक्रोश हुआ है, आप एक तरफ कह रहे हैं अधिकारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारी सरकार की सुन नहीं रहे। अगर चल रहा है जो भी तो योगी जी के 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 भंडारे लगवा रहे थे, अगर आप पुलिस जो से काम खिला रहे थे और जो खा रहे थे उनके खिलाफ कानून और उसके बाद रोना रो रहे कानून को करना पड़ेगा। अरे आप सरकार चला रहे हैं, 3 दिन से मेरे विधायक रोना रोना बंद करिए। विधायक ने कहा आगे तो छोड़िए, नहीं वहाँ के प्रशासन ने छुपी और जिसके बाद ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पूरा मीडिया के अंदर वीडियो अपने आपको राजा बता रहे हैं, अभी कह रहे हैं राजा है। अरे आप राजा आज आप कुछ नहीं है, लोकतंत्र में राजा जनता होती है, ऐसा जो है आपको जनता के लिए काम के लिए इलेक्ट किया था, आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ो। रवि यादव जी क्या मान रहे, सरकार की मंशा तो है, सरकार की मंशा है, लेकिन जब जब अधिकारी विधायक की नहीं सुन रहे, सांसद की नहीं सुन रहे, तब बार बार इस तरह की स्थिति बन रही है। आज भी दुकानदारी चलवा रहे हैं, गौ मांस कटवा रहे हैं, उन बेईमान अफसरों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है ना कि विधायक और सांसदों की जब नहीं सुन रहे तो सीएम की क्या सुनेंगे? ये ना करिए, ये कौन लोग हैं, ये वेतन भी सरकार का लेते हैं और सरकार के विरुद्ध काम करते हैं। अरे तो स्लॉटर हाउस चलने दे रहे, अरे कौन गुना लगा रहा है, अरे किसकी जिम्मेदारी है? हमने उनको क्या थाने बिके हैं, क्या जिले बिके हैं? ये देखिए क्या वो अपने उनके राज्य में क्या हो रहा था, बिल्कुल बिकते थे पहले राज्य।
किसकी अपराधी थाने चलाते थे। देखिए कम से कम हमारे हुआ कभी, ये जनता को सुनना चाहिए, भाजपा के लोग खुद कह रहे हैं जिले बिल्कुल बिकते। ये जो पहले के राज में क्या होता था ये सवाल नहीं, अब क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए सवाल ये है। ये कह रहे हैं बात अमर सिंह कह रहा है तो समाजवादी पार्टी में ये बात है, ये भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने ये बताए कि ये बेईमान अफसर क्यों आज भी इनके यहाँ ये सलाह दे रहा हूँ। ये जिम्मेदारी हो रही है, ये रोना जिम्मेदारी है, जिम्मेदार है और जांच आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई की बात तो है लेकिन सवाल ये कि आखिर इससे सिला क्यों? अगर विधायक और सांसद के अधिकारी नहीं सुने तो किसकी सुनेंगे? आपका विधायक वहाँ कहता रह गया और आपका एक तरफ कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये कौन से अधिकारी जो विधायक और सांसदों की नहीं सुन रहे हैं? यही एसआईटी की जांच में आने वाला है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हर बार कठोर कार्रवाई की बातें की जाती हैं लेकिन तस्वीरें बदलती नजर नहीं आ रही। प्रदेश में अभी भी अवैध स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं जिसको लेकर सीएम सख्त तो जरूर है लेकिन क्या इन अवैध स्लॉटर हाउसेस पर ताले जड़ जाएंगे? क्या कोई शहर फिर हिंसा की आग में नहीं जलेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बहस में आज इतना ही। तमाम मेहमानों और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।